मॉर्निंग चिल्ड्रंस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आपको प्रीवियस क्लास का याद है या नहीं? मुझे तो पता नहीं, आपको याद है तो आपको समझे होंगे, क्योंकि आज तो लेसन सुने हैं। क्या लेसन किया था, क्या लेसन हुआ था, ये तो 4 days हुआ है ना। और बीच में क्यों छुट्टी आ गए थे, इसलिए लेसन थोड़ा देरी हुआ। क्या हुआ था ये आपको याद है? ये बारिश आएगी। क्या बारिश रहेंगे? कब कब आएगी पता नहीं आपको। ये बारिश तो जरूर आएगा, आएगा कब ये तो पता नहीं। और क्यों वो कभी ना कभी आएगी। आए तो क्या होता है, आए तो कहाँ देखे तो भी पानी आएगा। पानी के साथ हमारा गली मोहल्ला क्लीन हो जाएगा, हर एक पेड़ पौधे को नहलाएगा। ये सब ये बारिश की वजह से आएगा। बारिश तो कैसे आएगा, एक स्काई का एक क्लाउड, एक स्काई में क्लाउड एक साथ जमा हो जाएगा। हाँ, जब ओमेगा के साथ ओमेगा जमा होने से हम ना क्या मालूम हो जाएगा, हम समझना है बारिश तो आएगा। बारिश आए तो कैसे होगा, हम कैसे रहते हैं, ये सब आपको जानकारी देती हूँ। जानकारी कैसे देती हूँ, ये लेसन के लिए कविता के साथ। चलो आज कविता सुनाएंगे। हाँ, ये तो एक तो क्या बारिश आएगी, क्या आएगी बारिश। बारिश आएगी, बारिश आएगी, कैसे आएगी ये तो पहला पहला क्या हुआ था, पहला पैराग्राफ हुआ था ना, आपको याद है। जम जम बारिश आएगी, जम जम बारिश आएगी, जम जम बारिश आएगी। क्या लाएगी? पेड़ों को नहलाएगी, पेड़ों को नहलाएगी, पेड़ों नहलाएगी। क्या करेगी? ये तो हुआ था ना, जम जम बारिश आएगी, पेड़ों को नहलाएगी, घर बाहर घर बाहर दो जाएगी, घर बाहर दो जाएगी, नदियाँ नदियों को भर जाएगी। ये 4 days हुआ था वो क्या हुआ था, जब जब बारिश आएगी, पेड़ों को नहलाएगी, घर बाहर दो जाएगी, नदियों को भर जाएगी। क्या हुआ था ये तो आपको पहले प्रीवियस क्लास में हुआ था। जम जम मिस एक झमका हुआ, हाँ बूंदों के साथ बारिश आ जाएगा, पेड़ों को नहला जाएगा, पेड़ों को मंजन कराएगी, स्नान कराएगी, पेड़ों को ट्रियों को ट्री के पत्ते लीव्स सभी क्लीन हो जाएगा। और बीच बहुत बहुत कराएगी, पर घर बाहर दो जाएंगे, घर के अंदर हाउस के इनसाइड और आउटसाइड, आउटसाइड में आंगन फील्ड रहता है ना, और सभी दो जाएगी, क्योंकि देर सारी बारिश हो, बारिश बहुत जोर से आए तो कण कण में भी कहाँ भी दूर नहीं रहता, ऐसे
जाएगा, नदियों को भर जाएगी, नदियों नदियों में क्या भरेगा, वाटर फुल हो जाएगा, है ना। आप तो आपको समझ में आएगा, बारिश आए तो झील नदियों और भी सभी में भी पानी भर जाता है, और घर के पीछे आंगन में नहरे में सभी कहाँ देखे तो भी पानी भर जाए। अब तो आप टीवी सभी में देखे हैं ना, नदी भर कर घर में घुस गया है, गली मोहल्ला कंप्लीटली जरारत हुआ है, ये सभी आप सुनते हैं ना टीवी में। ऐसा ही नदियों को पानी भर जाएंगे। आपको पहला पैराग्राफ हुआ था, अब नेक्स्ट दूसरा और तीसरा देखेंगे, पेज नंबर 33। हाँ, बादशाह की एक पोयम देखो। पहला ये हुआ था, क्या हुआ था, जब जब बारिश आएगी पेड़ों को नहलाएगी, घर बाहर तो जाएगी नदियों को बचाएगी। ये तो आपको बारिश भी स्पष्ट आ रहा है, हाँ, पेड़ अपनी नहलाएगी, बहुत खराएगी, ये घर हाउस बाहर हाउस है दो जाएगी, क्लीन करेगी नदियाँ रिवर्स को भर फिल कराएगी, को वाटरफॉल वर्षा वर्षा रही वाटरफॉल से ये क्या करेगी, नदियों को भर जाएगी। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ, बच्चे उधम मचाएंगे, नदियाँ नाचेंगे और गाएंगे, रिमझिम बारिश उदम
बच्चे उधर बचाएंगे। क्या है इन सर में बच्चे? आप सब बच्चे हैं ना, है ना? एक बड़ा है? नहीं नहीं अब तो 10 स्टैंडर्ड वाले चिल्ड्रन हैं, है ना? अब तो सभी 10 स्टैंडर्ड। आपको क्या लगता है बारिश आए तो खूब उधर उधर मिस आपके उल्लास हो जाएंगे, मचाएंगे जोर चिल्लाएंगे, ओ बारिश आया है ना, बारिश आया बारिश है, वाटरफॉल है। कैसे क्या मेरे को शब्द निकलता है? आप कहाँ मिले हो? वही इसका नाश्ते दूर का बहुत हवा आते रहता है, कोल्ड दिखते रहता है स्काई में। देखेंगे बच्चे क्या मेरे को शब्द आपको आ जाएंगे मुँह में, एक क्या बारिश आ जाएगा, हम नाचेंगे हम गाएंगे, क्या मेरे वो शब्द आएगा, वो क्या करेंगे तो उधर मचा कर नाचेंगे और गाएंगे, डांस करेंगे आप गाएंगे, ओ मरे राजा ओ मरे राजा गाते हैं ना। क्या वो पहला बारिश आए तो आप उसमें भीगना है, वो बहुत अच्छा लगता है शरीर के लिए, और भीगना है जैसा आपको बड़ों का शब्द वाक्य हो के रहता है, आप भीगने लग जाते हैं। कुछ लोगों ए अंदर आ जाओ मत जाओ, बारिश के आने का सूचन हो रहा है, मत जाओ बाहर, आउटसाइड मत जाओ, गो मत आउटसाइड, ऐसा कहते रहते हैं, आप तो सुनते नहीं और जाकर बाहर खेलते रहते हैं, कुछ डांस करते हैं, सबको गिरा के रहते हैं, आओ सहेलियों को बहनों को छोटे बच्चों को बड़ों को सबको आप बुला के क्या करते हैं, नाचते हैं गाते हैं, क्योंकि आपका मन ही उल्लास होकर रहता है बारिश आ जाएगा। क्या करेंगे? रिप चिप बारिश। क्या करेंगे? नाचेंगे और गाएंगे, नाचेंगे और गाएंगे, नाचेंगे और गाएंगे। क्या करेंगे? नाचेंगे और गाएंगे रिप चिप। बारिश आएगा, रिमझिम बारिश आएगी। क्या करेंगे? रिमझिम बारिश आएगी। कैसे कहा करो नाश्ते आप? रिमझिम रिमझिम मिस एक बूंद आए तो और एक बूंद और एक तरफ, इधर सर पर पड़े तो इधर हाथ पर पड़ता है, इधर सर मुंह पर पड़े तो इधर इधर सीधे सर पर बीतते रहते हैं। रिमझिम बारिश आएगी आएगी, वो क्या सोचते हैं आपको? रिम रिम बारिश आएगी, वो मन उल्लास होके रहता है नाचते गाते, क्योंकि ये बारिश तो जरूर आएगा, फिर गर्मी फैला जाएगी, फिर गर्मी बढ़ जाएगी। क्या हो जाता है वो? आप सोचते हैं सभी बारिश तो जरूर आएगा, बारिश तो जरूर आएगा, मन में उल्लास होता है, नाचते गाते हैं क्योंकि बारिश आएगा। आकर और जाने समय क्या करेगा? फिर आफ्टर बारिश आने के बाद क्या करेगा? गर्मी गर्मी का तो हार्ट बाहर जाएगा, बाहर जाएगा मीन्स फैलाकर और जाएगा। क्या बारिश गर्मी को फैला कर, हम ना हम भीगते हैं, बारिश आते रहते हैं, हम नाचते रहते हैं गाते रहते हैं, आप
जमा जम आएगी, सबके लिए पानी लाएगी। क्या करेगी? सूखे को ले जाएगी। क्या करेगी? सूखे को क्या करेगी? सूखे को ले जाएगी। सूखे को ले जाएगी। सूखे में जमीन क्या होता एक्सेस ऑफ हीट को क्या होता सब भी सूखे रहता है, ड्राई होकर पानी ड्राई होकर रहता है। आपको समर डेज में आपने कैसे जलन होते रहता है, हार्ट रेट को ड्राई होकर रहता है, आर्म फुल ड्राई काले पन पड़ जाता है क्योंकि धूप में उतना धूप रहता है। तब वो क्या होता ड्राई को ले जाएगी, वो लेके जाएगी किसके साथ, बारिश आए तो भीग जाएगा ना। तब अपना ड्राई ड्राई नहीं रहता, उस अर्थ फुल स्मूथ हो जाता है, भीगे जाता है, गट्टर हटे तो फिर भीगे जाता है, स्मूथ हो जाता है। ये क्या करेगा, बारिश आए तो सूखे को ले जाएगा, सूखे के मीन्स ड्राई ड्राई होकर रहता ना, वो सब भी ले जाएगा। हरियाली को, हरियाली किसी को एक प्राणी पक्षी पेड़ पौधों
पकौड़े के लिए भी पानी हमें खोल लाता है, बारिश लाता है। ये बच्चे सोचते हैं बारिश आए तो क्या क्या होता है, बारिश आए तो क्या क्या होता है, क्या होता है, सूखे को ले जाएंगे, ये बहुत रहे हो क्या होता, वो सब भी लेकर जाता है, क्योंकि वो बारिश आए तो बिक जाता है ना, तभी सूखा नहीं रहता, रह नहीं रहता, क्या हरियाली देकर जाएंगे, हरियाली को देकर जाएंगे, मीन्स ये सूखा चले जाए तो हमें पत्ते पौधे सब भी एक ही टाइम में हरियाली दिखता है, पत्ते आ जाता है, खूब जमाजम आएगी, खूब जमाजम मीन्स कहाँ देगी तो भी हमें क्या लगता है, किधर चारों तरफ भी हरियाली हरियाली दिखता है, पानी रहता है, खाने के लिए कुछ आहार मिलता है, फल पौधे मिलते हैं, प्राणी पक्षी हमें नाचते हैं, गाते हैं हमारे साथ, क्या भी कुछ भी प्यारों के लिए नहीं रहता, बहुत खुश मन उल्लास रहता है, हमें ही नहीं बच्चे के लिए नहीं, बड़ों के लिए, प्राणी पक्षी पौधे सभी को लिए खुश रहता है, खाने के लिए एनिमल्स को फूड मिलता है, हमें मिलता है, बर्ड्स को भी मिलता है, और पेड़ पौधों को भी आहार मिलता है, सभी को मिलता है, इसलिए सबके लिए पानी लाएंगे, सभी को मीन्स ये वर्ल्ड में कौन कौन है जिंदगी करने के लिए सभी को पानी मिलता है। चलो आज को एक पोयम समाप्त कर, कल मीनिंग एक बार बोलती हूँ मैं, जब 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 अंदर समा समा के भी मड़े बढ़ते मड़े ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮಳೆ ಬಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಮರ ಗಿಡಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಧೂಳು ಡಸ್ಟ್ ಕೂತಿರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗರ್ಭಾಹಾರ ಧ್ವಜ ಹೇಗೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಹಂಚು ಚೆತ್ತು ಅಂಗಳ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚರಂಡಿ ಮೋರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನದಿಯೊಂದು ಬಚ್ಚಾಯಿಗೆ ನದಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ, ನಂತರ ಬಚ್ಚುವುದ ಮಚಾಯಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಮುಂದೆ ಪಡಿಸ್ತವೆ, ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಡಿರ್ತವೆ, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಡು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೀತೆ ಕವನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತವೆ, ರಿಮ್ ಜಿಮ್ ಬಾರಿಶ ಆಯಿತು, ರಿಮ್ ಜಿಮ್ ಬಾರಿಶ ಬಂದರೆ ಚುಮ್ಮ ಚುಮ್ಮ ಪಿಡಿ ಪಿಡಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಿಗರ್ ವಿವಾಹ ಜಾಯಿ, ಈ ಮಳೆ ಬಂದು ಆನಂದ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾನಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸುಖಕರವಾದ ಒಂದು ಬಿಸಿಲನ್ನು ನಮಗೆ ಹರಡಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೂಕೆ ಕೋಲೆ ಜಾಯಿ, ಈ ಮಳೆ ಬಂದು ಈ ಡ್ರೈ ಆಗಿರೋ ಒಣಗಿ ಕಲ್ಲಾಗಿರುವಂಥ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಳೆ, ಮಳೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದಾಗ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಡ್ರೈ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋ ಭೂಮಿ ಬಿರುಕಾಗಿರೋ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ, ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹರಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಿಡ ಮರ ಬಳ್ಳಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಸಿರಿಂದ ತುಂಬಿ ನಂದನವನ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಸಿರು 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 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಖೂಬ್ ಜಮಾಜಮ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಮಜಾ ಮಜಾ ಮಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ನದಿಗಳು ತುಂಬಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಅವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ನಮಗೆ ಊಟ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ನದಿಗಳ ನೀರು ತುಂಬಲಾಗಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಪಾಲಿನ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀರು ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ನೀರು ಸಹ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಸರ್ವ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಊಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪೋಯಮಲ್ಲಿ. ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ಪೋಯಮ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದೇಖೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಅವರೆಂಬ ಜಮ್ 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 ಬಾರಿಶ್ ಆಯೇಗಿ, ಪೇಡೋ ಕೋ ನಹನ ಆಯೇಗಿ, ಗರ್ಭಾಹರ ದೋ ಜಾಯೇಗಿ, ನದಿಯೋ ಕೋ ಭರ್ ಜಾಯೇಗಿ, ನದಿಯೋ ಕೋ ಭರ್ ಜಾಯೇಗಿ,
पोयम कंप्लीट होने से आप ही ये सीखना है। ओके चलो मेरे साथ और एक बार दोहराओ। जब जब बारिश आएगी पेड़ों को नहलाएगी, गरबा हर दो जाएगी, नदियों को भर जाएगी, नदियों को भर जाएगी, बच्चे सबके लिए पानी लाएगी, सबके
और एक बार आपको सुनाती हूँ, आप ठीक से सुनना। जम जम बारिश आएगी, पेड़ों को नहलाएगी, गरबा हर तो जाएगी, नदियों को भर जाएगी, नदियों को भर जाएगी, बच्चे उधम मचाएंगे, नाचेंगे और गाएंगे, रिम झिम बारिश आएगी, फिर गर्मी बह जाएगी, फिर गर्मी बह जाएगी, सूखे कोहरे जाएगी, हरियाली तेज जाएगी, खूब जमाझुम आएगी, सबके लिए पानी आपको ये मालूम है। आप सभी ये याद करना है, कंठस्थ करना है। कल के लिए और एक लेसन लेकर आऊंगी। चलो इसका बारिश रही रिमझिम रिमझिम विलेजेस घर हाउस नदियां रिवर्स और गर्मी सामान सूखे हरियाली ग्रीनेस पानी वाटर बच्चे चिल्ड्रन और कुछ आपको ये मीनिंग होना तो और जरा करो। और क्या कुछ आपको नहलाने वक्त पेट्री घर बाहर घर के अंदर और बाहर और क्या है आपको सभी पता लगेगा पता लगा कर मैं समझ रही हूँ। मैं आज का समाप्त करती हूँ। चलो थैंक यू।